बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार का निधन हो गया है। वो 98 साल के थे। आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते 29 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार काफी समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने आज एक्टर के ट्विटर से उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बहुत भारी दिल से ये कहना पड़ रहा है कि अब दिलीप हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर मिलते ही इंडस्ट्री में शॉक की लहर है। सभी सितारे उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें, दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा के द फर्स्ट खान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप दिलीप कुमार के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें।